जय हिंद दोस्तों। आज की जो आपकी इंग्लिश क्लास है, इसमें हम वोकैब का सेक्शन कवर करेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर वन, वर्ड वन आपके सामने है, सेलिब्रियस। अब इस वर्ड को आप रटो, ठीक है, इस वर्ड को आप रटो, इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं नेमोनिक। नेमोनिक का मतलब क्या है, कुछ हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिब्रियस में से कुछ एक ऐसा शॉर्टकट इसमें निकालेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, रिलेट करके इसके मीनिंग तक पहुँचेंगे। सेलिब्रियस में आप देख सकते हो सल्लू भाई छुपा है ना, सल्लू सालू। अब देखो एकदम वही तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमेजिनेशन करके थोड़ा सा रिलेट कर देना भाई। तो सेलिब्रियस सल्लू भाई, और सल्लू भाई मतलब सलमान खान भाई क्या है, हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन है। तो सेलिब्रियस का मतलब हेल्दी। सेलिब्रियस सेलिब्रियस में सल्लू भाई मतलब सलमान खान, सलमान खान क्या है, हेल्दी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े, अरेबल भी एक यहाँ पे अच्छा वर्ड है, अरेबल अरेबल। अरेबल में क्या छुपा है, आरा दिलहलिया पटना ही ले, ऐसे करके एक गाना है ना। तो आरा, आरा की ज़मीन क्या है, उपजाऊ है। आरा की ज़मीन उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब क्या है, फर्टाइल है, ठीक है, फर्टाइल है। तो फर्टाइल उपजाऊ कौन, आरा की ज़मीन। तो अरेबल का मतलब फर्टाइल। अरेबल में क्या छुपा है, आरा, आरा की ज़मीन क्या है, उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब फर्टाइल है, तो अरेबल का मतलब फर्टाइल, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मर्सीफुल का मतलब दयनीय होता है, दया भाव करुणा। एसर्बिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना एसर्बिक, ये एसर्बिक, इसका मीनिंग देखो यहाँ पे लिख रखा है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, एसर्बिक में कहीं ना कहीं किसका साउंड आ रहा है, शर्ब्स का, ठीक है, शर्ब्स का। और शर्ब्स मतलब घास फूस जो होती हैं, ठीक है, घास फूस। अब देखो घास फूस, घास फूस से आप क्या काढ़ा बनाते हो ना, जब आपके जुखाम वगैरह हो जाते हैं तो आपने सुना होगा काढ़ा, ठीक है। तो वो घास फूस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है काढ़ा, ठीक है। तो काढ़ा जो है क्या होता है, कड़वा। तो यहाँ पे आप बिटर, बिटर मतलब कड़वा। तो एसर्बिक मतलब श्रब्स, और श्रब्स से हम क्या बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, और काढ़ा क्या होता है, कड़वा होता है। तो एसर्बिक श्रब्स, और श्रब्स क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। तो एसर्बिक का मतलब कड़वा, बिटर, एक्रिड, ठीक है। अकड़ू भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अकड़ू जो होता है ना, एक अपने आप में अकड़ रहती है कुछ कुछ पर्संस को, वो भी यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो एक्रिड से। एरेबल फर्टाइल लैंड हमने अभी देखा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विटल, विटल का मतलब डिक्रीज करना, विटल का मतलब कम करना, ठीक है। करटेल यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, करटेल का मतलब भी क्या होता है, कम करना, ठीक है। डिमिनिश, डिमिनिश भी एक अच्छा वर्ड है, डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है, कम करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी इंक्रीज और ये इक्वलाइज और ये डिक्रीज फॉरगॉटन, ये सब तो आपको पता ही है। पेंचेंट, पेंचेंट का मतलब एडमायरेशन, प्रीडाइलेक्शन, प्रोपेंसिटी, सभी के सभी यहाँ पे इसके क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। पेंचेंट का मतलब क्या होता है, झुकाव आप कह सकते हो, झुकाव, ठीक है, पेंचेंट मतलब झुकाव या लगाव आप कह सकते हो, ठीक है, पेंचेंट। तो कोई एक ऐसा पेन है जिसके प्रति आपको बहुत लगाव है कि भैया हम यूज़ करेंगे तो ये क्लासमेट का ही पेन यूज़ करेंगे, पेंचेंट, ठीक है, हमको उसी से एडमायरेशन है, हमको उसी से लगाव है। प्रीडाइलेक्शन भी एक अच्छा वर्ड है, हालांकि सब सिनोनिम्स हैं, लेकिन अगर प्रीडाइलेक्शन आपसे पूछ ले तो आप कैसे याद रखोगे कि प्रीडाइलेक्शन, इलेक्शन होने से पहले ही, प्री पहले ही, डायलेक्शन में इलेक्शन साउंड आ रहा है, इलेक्शन होने से पहले ही, प्री मतलब पहले ही क्या है, हम तय कर लेते हैं कि भैया हम तो एक्स पार्टी की तरफ हैं या वाई पार्टी की तरफ हैं, तो पहले से झुकाव हो जाता है हमारा, प्री डायलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही झुकाव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब क्या है, आपदा तबाही, ठीक है, आपदा तबाही, एपोकैलिप्स कैटेक्लिज्म,
मूवीज जिन्होंने देखी है भाई वो तो यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, डिल्यूज का मतलब फ्लड, कैटाक्लिज्म एपोकैलिप्स और आपदा तबाही यहाँ पे आपका बनेगा। एक वर्ड और होता है आपदा तबाही के लिए, कैटेस्ट्रॉफे, कैटेस्ट्रॉफे ये भी एक अच्छा वर्ड है, सिनोनिम यहाँ पे ये सब आप याद रखोगे। ठीक है, आपदा तबाही इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डलसेट। डलसेट का मतलब क्या है? स्वीट, स्वीट, और स्वीट का मतलब मधुर। डलसेट हम उस केस में यूज़ करते हैं जब आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो और आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी आवाज़ लगे। ठीक है, श्रेया घोषाल मैडम ने गाया है, जो भी आपकी फेवरेट सिंगर हैं उन्होंने गाया है, ज़रूरी नहीं है फीमेल, मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी ने भी गाया हो, आपको जो फेवरेट सिंगर है उसको आप यहाँ पे याद रखिए कि ही इज़ अ डलसेट सिंगर या शी इज़ अ डलसेट सिंगर, मतलब बहुत ही स्वीट, बहुत ही मधुर, एकदम कानों में रस जैसा मीठा मीठा साउंड उसकी आवाज़ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डलसेट का मतलब स्वीट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला आपका है, ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है? लाइसेंसियस भाई, करप्ट। ठीक है, करप्ट इंसान, लाइसेंसियस इंसान, लाइसेंसियस भी आप करप्ट से रिलेट करना, बॉडी। ठीक है, बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चिवेलरस। चिवेलरस का मतलब ब्रेव। अब शिवेलरस, इसको हम जैसे थोड़ा सा साइलेंट साउंड होता है ना, तो शिवेलरस ऐसे पढ़ेंगे, शिवेलरस नहीं, शिवेलरस। और शिवेलरस में आप क्या साउंड आ रहा है? शिव जी। अब भाई महादेव तो क्या है? ब्रेव हैं, बहादुर हैं, क्या हैं? बहादुर हैं। ठीक है, तो शिवेलरस का मतलब महादेव बहादुर हैं, शिवेलरस शिव, शिव जी क्या हैं? बहादुर हैं। शिवेलरस में छुपा है शिव जी, और शिव जी क्या हैं? बहादुर हैं। शिवेलरस, शिवेलरस में छुपा छुपे हैं शिव जी, और शिव जी क्या हैं? बहादुर हैं। तो ब्रेव यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, उसके अपोजिट में आप देखोगे टिमिड। टिमिड और कोवार्ड दोनों का मतलब क्या होता है? डरपोक। ठीक है, टिमिड और कोवार्ड दोनों का मतलब डरपोक। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए, जैसे टूटता हुआ तारा है, बहुत ही इफेमरल टाइम तक आपको दिखता है, क्षणिक एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? टेम्पोरेरी। ठीक है, शाइनी स्टार मत मार देना, टेम्पोरेरी। ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए, परमानेंट नहीं है वो, टेम्पोरेरी है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आप कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिएंट भी यहाँ पे आपका एक इसका सिनोनिम बनेगा, वो भी आप याद रखेंगे, ट्रांजिएंट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा, कई बार आपका जो है करेक्ट स्पेलिंग में पूछ लेता है। बिजारे, ग्रोटेस्क, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज, बहुत ही अच्छी यहाँ पे ट्रिक है। बिजारे से आप क्या याद रखेंगे? बाजार, और बाजार में आपको कोई स्ट्रेंज मिला या मिली। ठीक है, मतलब यार फ्रेंड हो सकता है ना, आपकी हेल्प करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम में आप पढ़ सकते हो। तो बाजार में क्या होता है? हर एक पर्सन स्ट्रेंज होता है, आप सभी को थोड़ी ना जानते हो, कोई ना कोई मिल गया तो मिल गया आपके आसपास का, आस पड़ोस का, अदरवाइज कोई कहाँ, ए सिटी से, ए कॉलोनी से आता है, कोई बी कॉलोनी से आता है, सबको तो आप जानते ही हो। तो बाज़ार में क्या है? सारे के सारे स्ट्रेंज पीपल मिलते हैं, ग्रोटेस्क पीपल मिलते हैं, सारे के सारे कैसे, पिक्यूलियर पीपल, स्ट्रेंज पीपल मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑल करेक्ट आंसर तो हो जाएगा, साथ में आपको याद रखना है भाई, ठीक है, कि बिजारे, ग्रोटेस्क, पिक्यूलियर, स्ट्रेंज का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कभी जानते नहीं हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, स्ट्रेंज। ठीक है, याद रखेंगे ट्रिक्स के साथ में। और गाइस अगर ट्रिक्स पसंद आ रही है तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी बैच के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं,
और वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट बैच फॉर योर प्रिपरेशन। ई बुक वगैरह भी है तो उसको भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है इनसाइडवस। इनसाइडवस का मतलब है क्या? ऑप्शन है कनिंग, ठीक है। कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक, ठीक है। इनसाइडवस, इनसाइडवस क्या है? वो इनसाइड मतलब अंदर से भाई बहुत चालाक है, बाहर से बहुत भोला लगता है, एकदम बेवकूफ़ जैसा, पर इनसाइडवस, इनसाइडवस मतलब इनसाइड से वो बहुत चालाक है, बहुत कनिंग है, ठीक है। तो उसको फुलिश मत समझना, ओके। क्या है इनसाइडवस? अंदर से चालाक है। अगला क्वेश्चन, जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक करना, ठीक है, मजाक उड़ाना। करेक्ट आंसर आपका बनेगा हंसी उड़ाना, ठीक है, जोक मारना। क्या बनेगा जेस्ट का सिनोनिम? मॉक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर जेस्ट का। अगला क्वेश्चन है नेव। नेव का मतलब क्या होता है? स्काउंड्रियल। नेव या स्काउंड्रियल आप याद रखेंगे, बदमाश को हम कहते हैं, ठीक है। जो बदमाश होता है ना, पता नहीं आपके मतलब इधर आपने सुना कि नहीं सुना, हम लोग के टाइम पे जब हम छोटे हुआ करते थे, दादा या दादी बोलते थे कि भाई चुपचाप सो जा यार अब तू, ठीक है, नहीं तो बदमाश आएगा पकड़ ले जाएगा, है ना, बोला जाता था। कभी आपको बोला गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। होमवर्क तो लिखते नहीं हो, ये क्या बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेव ध्यान रखेंगे, बदमाश आपको ध्यान रखना है। नेव से आप एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मतलब अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जो मतलब बहुत बदमाश है, दूसरों को परेशान करता है, ठीक है, स्काउंड्रियल, ठीक है। नोविस भी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है नौ सिखिया, नौ सिखिया, ठीक है। अब जैसे आपको गिटार ले लेते हैं, ठीक है, या आपको कह देते हैं कि मैथ्स, मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन दे दिया, आपने इससे पहले कभी मैथ्स लगाया नहीं, आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो आप लगा नहीं पा रहे हो, या लगा रहे हो तो धीरे धीरे लगा रहे हो, लॉन्ग मेथड से जा रहे हो, वहाँ पे आपको जिसको आता है वो आपको क्या बोलेगा, समझ जाएगा, आपका जो टीचर है वो समझ जाएगा कि भाई ये नौ सीखिया है, मतलब नया नया है, इसको हमको पूरा बताना पड़ेगा, पूरा इसका बेस मजबूत करना पड़ेगा, तब ये थोड़ा सा फास्ट कर पाएगा, धीरे धीरे फास्ट कर पाएगा, ठीक है। तो वो आपको नौ सीखिया की तरह डील करते हैं, आपका बेस बनाते हैं फिर, ठीक है, नींव डालते हैं बढ़िया से, ठीक है, समझाते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब क्या है? ऑप्शन डी एक्सपर्ट। नोविस का मतलब अभी हमने देखा क्या नौ सिखिया होता है, प्रोलिफिक याद रखेंगे, एक्सपर्ट यहाँ पे इसका मतलब होता है। निम्बल, निम्बल का मतलब बहुत क्विक, ब्रिस्क, हैस्टी, तेजी से, जल्दबाजी में किया गया, ऑल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। निम्बल मतलब तेजी से करना, जल्दबाजी में करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। अब देखो इसका जो निमोनिक है वो एक क्लिक हो रहा है मेरे दिमाग में, ध्यान रखेंगे, अब टीना एट, ऑब्स्टिनेट है ना, इसको तोड़ देना, अब टीना एट, तो अब जो है टीना एट खा कर ही रहेगी भाई, मानेगी नहीं, ठीक है। टीना लेट हो गई, पहुंची एक पार्टी में, पार्टी में सब भैया खा के निकल चुके थे, थोड़ा बहुत बचा हुआ था, पर टीना ने कहा नहीं मैं तो सब कुछ खाऊंगी, अब मैं खा कर ही जाऊंगी। अब टीना बोली कि खा कर ही जाऊंगी, जिद पकड़ ली उसने। उसके फादर साहब ने कहा चल बेटा तू मेरे साथ चल, रेस्टोरेंट में तेरे को खिलाता हूँ, तो बोली ठीक है, लेकिन अब मैं खा कर रहूँगी, ये मेरी जिद है, आई एम अ स्टबबॉर्न पर्सन, स्टबबॉर्न, ठीक है, स्टबबॉर्न, ओ आर एन होगा भाई, स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी, ओके, याद रखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। एम्बी डेक्स्ट्रस,
अब देखो डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल व्यक्ति, और एम्बी का मतलब है दोनों, दोनों तरीके से, दोनों हाथों से। तो जो एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होगा वो क्या होगा, जो दोनों हाथों से कुशल हो, दोनों हाथों से कुशल हो, ठीक है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, एम्बीवेलेंट आप याद रखो कि जिसका मतलब कई सारे हैं, एक कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब कई सारे हैं, ठीक है, हुज मीनिंग इज नॉट क्लियर, जिसका अर्थ क्लियर है ही नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीवेलेंट। रिलक्टेंट का मतलब है, हम बोलेंगे कि आप लोग रिलक्टेंट हो क्लास करने में, हो कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताना। अनिच्छुक मतलब, रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंगनेस, आपकी इच्छा नहीं है, एक मजबूरी है कि भाई अच्छा कॉलेज चाहिए तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, बट यू आर नॉट सपोज टू डू, मतलब आप करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कहाँ से मिलेगा फिर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप नहीं तो कोई और करेगा। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, ठीक है, अनविलिंगनेस याद रखेंगे। ऑब्स्टिनेट का हमने देखा ऑप्शन ए, स्टबॉर्न, जिद्दी करेक्ट आंसर बनेगा। अब टीना खा कर ही मानेगी, भूलना मत। देखो ये सब जो मीनिंग मैं आपको नेमोनिक्स बता रहा हूँ ना, इनको आप एक बार में नहीं याद कर पाओगे, तो कम से कम 5-6 बार आपको, आप नोट्स बना लो छोटे छोटे और उसको रिवाइज करते रहना प्रॉपर, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। फिर जब दोबारा कभी वो वर्ड सामने आएगा ना, तुरंत आपके दिमाग में वो जो ट्रिक है वो क्लिक कर जाएगी। क्वीर, क्वीर का मतलब क्या होता है, अगेन एब्सर्ड, ठीक है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का भी हमने पीछे क्या देखा, पिक्यूलियर, एक और कुछ देखा था, बिजारे, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, बाजार में सब हमको स्ट्रेंज लोग मिलते हैं जिनको हमने पहले कभी नहीं मिले, सारे के सारे अननोन पर्सन, ठीक है, सारे के सारे नहीं लेकिन बहुत सारे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वैगमायर का मतलब होता है क्या, ABC, ठीक है, इम्ब्रोग्लियो, डिलेमा, लेबरिंथ, ठीक है, क्या होता है क्वैगमायर का मतलब, आप कह सकते हो परेशानी, मोटा मोटा परेशानी, ठीक है, क्वैगमायर का मतलब परेशानी, इम्ब्रोग्लियो का मतलब परेशानी, डिलेमा का मतलब परेशानी, लेबरिंथ का मतलब भी परेशानी, आप कहीं ना कहीं ऐसे रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेल, क्वेल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी, सप्रेस करना, सप्रेस करना मतलब दबाना, ठीक है, क्वेल करना, दबाना। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब पता है आपको, आलोचना करना, ठीक है, रेंच का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई करना, अनइक्वल करना, बैलेंस करना, ट्विस्ट करना, करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, ट्विस्ट करना। देखो रेंच आपने देखा होगा इस तरीके का होता है ना, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे नट, इसको यहाँ पे लॉक करके फिर हम उसको घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं, क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, किससे किया, रेंच से किया, रेंच से क्या किया, ट्विस्ट किया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बॉस। सो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ पे वो कैप देखा, बता दें आपको कि आप हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है उसको तो आप फॉलो अप करिए ही, एक एक क्लास देखिए, बाकी जो हमारा कोर्स अवेलेबल है उसको आप ले सकते हैं, आपको नंबर शो कर रखा है, यहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कंप्लीट एक एंड सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, वहाँ से ईबुक भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ईबुक में कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी इन सब्जेक्ट्स की जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, और आपका एलिमेंट्री मैथ्स और बेसिक कंप्यूटर, इतना तो आपका सिर्फ ईबुक में ही कवर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन की आपको वहाँ पे जो वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन बताया गया है, प्लस में अगर आप बैच लेते हो तो बैच में भी आपको यहाँ पे बैच और ईबुक के साथ कॉम्बो जो है वो अवेलेबल है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो और एनरोल कर सकते हो अपनी तैयारी में, एक
पॉलिश्ड वे की तरह अपना यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।